साढ़े चार साल से दिल्ली में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, और यहां आज काफी बड़ी भीड़ आई है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जो महिलाएं यहां आई हैं, माताएं और बहनें आई हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले साढ़े चार साल में नरेंद्र मोदी जी ने और पिछले 15 सालों में शिवराज चौहान जी ने मध्य प्रदेश के गरीब लोगों के लिए क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, इंदिरा आवास योजना दी, जमीन अधिकरण बिल लाए, किसानों का कर्जा माफ किया। मैं आपको लिस्ट आधे घंटे के लिए बोल सकता हूं, मगर मैं यहां रुकना चाहता हूं। मोदी जी ने, शिवराज जी ने आपके लिए क्या किया मुझे बताओ। सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों रुपए दिए। मोदी जी ने स्वयं पिछले साढ़े चार साल में 3,50,000 करोड़ रुपया 15 सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। मतलब देश में मनरेगा चलाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए लगते हैं। यूपी ने आपको, यूपीए ने मनरेगा दिया एक साल में 35,000 करोड़ रुपए। उतना पैसा मोदी जी के समय नीरव मोदी उठा के ले गया, मेहुल चौकसी उठा के ले गया, अनिल अंबानी उठा के ले गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए ले गया, ललित मोदी ले गया। तो अमीरों को पैसा मिल रहा है, उनको फायदा हो रहा है, वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मगर जब किसान के कर्जा माफी की बात आती है तो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, देखिए ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हिंदुस्तान के किसान ने क्या गलती की है? ठीक है, प्राइवेट हवाई जहाज नहीं है, मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, बड़ा घर नहीं है, मगर देश के लिए काम करता है, दिन भर काम करता है, 4 बजे जग के देश के लिए काम करता है, बारिश हो ना हो, बिजली मिले ना मिले, किसान आपको खेत में 4 बजे सुबह दिखाई देगा। अनिल अंबानी जी को नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले में 30,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। 526 करोड़ का हवाई जहाज था, एयरफोर्स को खरीदना था, यूपीए सरकार ने कहा था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। 526 करोड़ के हवाई जहाज को नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। एचएएल 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, एक रुपया कर्जा नहीं है उस पर। अनिल अंबानी पे 45,000 करोड़ रुपए कर्जा, एक हवाई जहाज उसने अपनी जिंदगी में नहीं बनाया। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले कंपनी खोलता है, और वही व्यक्ति जिसने देश से कहा था मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ, उसी व्यक्ति ने 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदकर अनिल अंबानी के जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाले। किसका पैसा भाइयों और बहनों? किसका पैसा भाइयों और बहनों? नरेंद्र मोदी का नहीं,
आपका किसान का, ये जो माताएं बहनें आई हैं आपका, याद करिए दो साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, बैंक के सामने कौन खड़ा हुआ था? हम, आप, पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने खड़ा था। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लाइन में विजय माल्या दिखा आपको? लाइन में नीरव मोदी दिखा आपको? मेहुल चौकसी दिखा आपको? अनिल अंबानी दिखा आपको? ललित मोदी दिखा आपको? ना। ये लोग बैंक के पीछे अपना काला धन सफेद कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी के लोगों ने हिंदुस्तान के सब चोरों का काला धन सफेद कर डाला। आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, भाइयों और बहनों लाइन में खड़े हो जाओ, और उनसे कहा चलो तैयार हो, अपना काला धन सफेद करो। राहुल गांधी, भैया भैया डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। मध्य प्रदेश की थोड़ी सी बात, आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हो, कुछ भी काम करवाना हो तो आपसे रिश्वत ली जाती है, हां या ना? सुनाई नहीं दिया मुझे? मध्य प्रदेश के अफसर ब्यूरोक्रेट्स आपसे छोटा सा छोटा काम करवाने के लिए पैसे लेते हैं, हां या ना? भाई और बहनों चेन बनी हुई है ऊपर से नीचे तक। चेन के ऊपर शिवराज चौहान जी, उनका परिवार, ऊपर से नीचे तक मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार। कुछ भी करवाना हो, छोटा सा छोटा काम, इंदिरा आवास, कोई भी कागज बनवाना हो सरकारी ऑफिस में, बीपीएल कार्ड, कुछ भी आपको करवाना हो, पहले अपने जेब से पैसा निकालकर अधिकारी को, ब्यूरोक्रेट को दो, फिर मध्य प्रदेश में जाके कुछ होगा। अच्छा, यहां बहुत युवा हैं, मध्य प्रदेश में जितनी भी आपको पढ़ाई करनी है कर लो, जितने भी घंटे आप पढ़ना चाहते हो बिना बिजली के आप पढ़ लो, रोज 5-10 घंटे 15 घंटे पढ़ने हैं पढ़ लो, मगर अगर आपके जेब में पैसा नहीं है, अगर आप रिश्वत दे के एग्जाम नहीं लिखवा सकते हो तो आप मध्य प्रदेश में आगे नहीं बढ़ सकते हो। व्यापम का मतलब यही है। गरीब से गरीब परिवार का बच्चा पढ़ता है, घंटों पढ़ता है, बिना बिजली पढ़ता है, आधी रोटी खा के पढ़ता है, और फिर शिवराज चौहान जी, आरएसएस के लोग, बीजेपी का संगठन मध्य प्रदेश में व्यापम करवाता है। 50 लोग मारे जाते हैं, 50 लोगों की हत्या होती है, पूरा प्रदेश जानता है कि व्यापम में शिवराज चौहान जी का, उनकी पत्नी का क्या रोल है क्या नहीं है। ई टेंडरिंग होती है, पूरा प्रदेश जानता है, बीजेपी के मंत्रियों को, अधिकारियों को, चीफ मिनिस्टर को सीधा फायदा होता है। गरीब बीमार होता है, एमआरआई की जरूरत, एक्सरे की जरूरत, हजारों रुपए जेब से निकाल कर दो,
प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करो, दिल का दौरा पड़ता है, कैंसर होता है, तो लाखों रुपए पहले दो फिर इलाज होगा, और अगर आपके जेब में लाखों रुपए नहीं है तो मर जाइए।